आइए अनबॉक्सिंग देख लेते हैं आहूजा कंपनी के ऑडियो इंटरफेस AI22 का। 2x2 USB लिखा है ऑडियो इंटरफेस और एक ही माइक लगाने का ऑप्शन दिया गया है। 6,315 रुपये इसकी MRP दी गई है और थोड़ा बहुत डीलर से आप डिस्काउंट ले सकते हैं। डब्बे में कुछ इस तरीके के निशान बने हुए हैं कि अंदर से कैसा है वो डब्बे में ही बाहरी छाप दिया गया है। इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या कुछ मिलता है इसके साथ में। बस मुझे देख के फ़िलहाल फर्स्ट ओपिनियन यही लगता है कि कंपनी को कम से कम 2 माइक लगाने का ऑप्शन देना चाहिए था। क्या पता 2 जने एक साथ गा रहे हों तो उनको ज़रूरत हो सकती है, या 2 चीज़ें एक साथ चल सकता है चलेगा तो, जैसे बेरेंगर वगैरह में होता है। और ये कुछ नीचे का हिस्सा ऊपर मेटल का फ्रेम है, एक माइक लगाइए या लाइन लगाइए, इंसर्ट का भी ऑप्शन है और वॉल्यूम अलग अलग दिए हैं। मॉनिटर का ऑप्शन है, 48 वोल्ट का बल्ब इंडिकेटर दिया है, हेडफोन लगाने का भी ऑप्शन दिया गया है। और ऊपर का जो ये फ्रेम है वो मेटल फ्रेम है। और ये देखिए म्यूज़िक प्लस USB ऐसा कुछ दिया गया है। और अपन देख सकते हैं पीछे USB लगाने का ऑप्शन है, 48 वोल्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं और आउटपुट लेफ्ट राइट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। और साथ ही साथ इसमें पावर केबल भी कंपनी साथ में देती है, यानी USB वाला आपको अलग से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कंपनी का कि हमको USB अलग से नहीं परचेस करना पड़ता है ऑडियो इंटरफेस का जो केबल है। और भी कुछ है लगता है साथ में, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का है ये कुछ स्टिकर जैसा लग रहा है। जो नीचे जो ये मेटल का फ्रेम बना है उसको थोड़ा सा आप रखने के लिए चार कोने के लिए दिया गया है। ये ग्रीन वाला है जो स्टिकी है, स्टिकर जैसा है, चिपक जाएगा इसके नीचे नीचे हिस्से में। फिर आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे चिपका सकते हैं, 4 ऐसे चिपका लेंगे तो आपका ये जो खिसकने वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, खिसकेगा नहीं, स्लिप नहीं होगा। और ये केबल मिलती है साथ, एक तो मैंने इसमें लगा लिया और दूसरा मैं कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसको चला के देखेंगे कैसी आवाज आ रही इसमें से। और ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो गया, लाइट जल चुकी है। और इधर मैं 48 वोल्ट ऑन करूँगा तो इधर 48 वोल्ट का भी लाइट जल जाएगा। ये देखिए ऑन किया हूँ तो ये 48 वोल्ट वाला जो लाइट है वो भी देखिए जल चुका है। ये ऑफ़ कर दिया मैंने और ये ऑन कर दिया, ऑफ़ ऑन ऑफ़। तो ऐसा ऑप्शन दिया गया है, अगर आप 48 वोल्ट वाला माइक यूज़ करें तो 48 वोल्ट वाला यूज़ कीजिएगा, नहीं तो नॉर्मल माइक भी आप इसमें चला सकते हैं। मैं OBS जो है ऐप उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और आपको पहले सेटिंग में जाना है, प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ देखिए क्लिक करेंगे यहाँ पे तो लाइन USB ऑडियो आ गया। बस आपको इसको सेलेक्ट करना है और ओके करना है, उसके बाद आप ऑडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे इसके ज़रिए किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में। हेलो, कीपैड कहाँ है? हाँ, कीबोर्ड है ना। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो।